वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जर्मीन और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चिकन निहारी। ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, दो बड़े पीस मैंने यहाँ पे चिकन लेग के लिए, एक कप दही, एक बड़ा चम्मच निहारी का मसाला, एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच गरम मसाला, दो दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज, दो लीमू, एक को मैंने स्लाइसेस में काट लिए और एक मैंने साबित लिए, कुछ स्लाइसेस मैंने यहाँ पे अदरक के लिए, ये मैंने गार्निश के लिए लिए, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, तीन से चार सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन के ऊपर हम कट लगाएंगे। ये देखिए चिकन के ऊपर मैंने कट लगा दिए। अब हम इसके ऊपर अदरक और लहसुन का पेस्ट लगाएंगे। लीमू निचोड़ेंगे। दही डालेंगे। अब दही और अदरक लहसुन को इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। जो हमने कट लगाए थे इसके अंदर भी ये सारे दही डाल देंगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दी है। अब मैं इसके अंदर एक कप ऑयल डालूंगी। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और प्याजों को ब्राउन होने तक पकाऊंगी। देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। इसे हम निकाल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इसे मैंने निकाल लिया। ठंडा होने के बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। अब इसी ऑयल में हम चिकन को फ्राई करेंगे। अब चिकन को हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे कि ये अच्छी तरह गल जाए। यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया, इसमें मैं 2 चम्मच मैदा डालूंगी, 2 चम्मच आटा डाल के मैं इसे अच्छे से भून लूंगी। हल्की आग पे हम इसे भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और आटे का कच्चापन भी खत्म हो जाए। आटे को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया, इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। अब मैं इसे प्याज का पेस्ट डाल दूंगी। निहारी का मसाला, सारे मसाले, ये सारे मसाले डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल दूंगी। इसे मैंने
अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है। अब मैं इसके अंदर एक जग पानी डालूंगी और इसे बॉईल आने तक पकाऊंगी। देखिए पानी में बॉईल आ गया है। ये जो हमने आटा और मैदा भूना था इसके अंदर हम आधा कप पानी डालेंगे। मिक्स करके हम इसे निहारी में डाल देंगे। ये देखिए इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है। अब मैं इसे निहारी में डालूंगी। अच्छे तरीके से इसे हिला देंगे। अब मैं इसे ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए रखूंगी ताकि अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। ये देखिए निहारी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसे हम 5 मिनट मजीद पकाएंगे और बाद में चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए निहारी हमारी अच्छे तरीके से गाढ़ी हो गई है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और आपको सर्विंग ट्रे में निकाल के दिखाऊंगी। देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन निहारी बनके तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे चैनल लिटिल शेफ दरमीन को भी सब्सक्राइब कर दें। और ये रेसिपी बनाते मुझे बहुत टाइम लगा है, तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो लाजमी इसे लाइक कर दे। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है निहारी। तो कैसी लगी रेसिपी? अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।